हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म भरना है, जैसा मैंने ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। यूपीएससी के कैसे फॉर्म भरेंगे कंप्लीट डिटेल मैंने इस वीडियो में बताया है। फिलहाल मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को इशू ये होता है कि उनको जब फोटो अपलोड करते हैं तो उनको इशू आता है। फोटो का साइज कैसे आप काटेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यूपीएससी का जब फॉर्म जो भरा जाता है उसके लिए खास जो है रेजुलेशन दिया गया, वैसे तो यहाँ पे भी दिया हुआ है इंग्लिश में, बट आप लोगों के लिए मैं हिंदी में यहाँ पे जो पहले बाद में दिखाया जाता है फॉर्म भरते वक्त वो मैंने रख रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 350 विथ होना चाहिए और 350 हाइट भी होना चाहिए, मतलब दोनों 350 मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम दिया हुआ है, और मैक्सिमम जो है 1000 दिया हुआ है। तो ये कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेबसाइट है फोटोपिया, ये ऑनलाइन फोटोशॉप वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लगता है, आप फ्री में जो फोटोशॉप से कर सकते हैं। तो इसी से बता दे रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर और भी आपको जरूरत हो तो कर पाएंगे, बस आप इस वीडियो को सही से देखें। तो जब ये खुल जाएगा इस तरीके से, आपको क्या करना है, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जहां भी आपका फोटो होगा, मान लीजिए कि ये फोटो जो है हमने अभी निकाल के रखा है, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इस फोटो को अगर क्रॉप करना हो, अगर आप इस तरीके का आपका फोटो है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एक चीज और जो क्वेरी रहता है कि लोगों के फोटो में बैकग्राउंड में कुछ और होता है, तो ऑफकोर्स व्हाइट बैकग्राउंड बनाना होता है, तो ये तो पहले से ही है, लेकिन आपका किसी और कलर का है तो एक वेबसाइट आता है बीजी रिमूवल के नाम से, बीजी रिमूव लिख करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगा, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद जो ये वेबसाइट ओपन हो जाता है, आपको क्या करना होता है, सिंपल सा ये अपलोड देख रहे हैं, इस अपलोड पे क्लिक करना होता है। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपका जो है कंप्यूटर का खुल जाएगा, मान लीजिए कि हमारा ये है, या आपको मोबाइल में भी ये चीजें कर सकते हो। तो यह वाला मान लीजिए कि कलर है, तो मैं ये ले लेता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद जो है अपलोड होने लगेगा, थोड़ा सा वेट करना, ये ऑटोमेटिक जो है बैकग्राउंड हटा देता है। देख सकते हैं कि इस तरीके से बैकग्राउंड जो है ऑटोमेटिक हटा दिया और व्हाइट बैकग्राउंड हो गया। अब इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये फ्री में जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डाउनलोड होकर के देख सकते हैं कि ये फोटो जो हमें मिला है, अब देख सकते हैं कि ये फोटो जो है बिल्कुल इसका बैकग्राउंड जो हटा दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग भी जो है अगर कोई बैकग्राउंड हो तो उसको रिमूव कर लेना, और रिमूव कर लेने के बाद डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद जो फोटोशॉप ओपन कर लेना तो इस तरीके से आ जाएगा। आपको क्या करना है, चूंकि जेपेग बनाना है तो यहाँ पे साइज बिल्कुल दिया हुआ है कि 350 बाई 350। आपको क्या करना है, फोटोशॉप पे यहाँ ओपन जब फोटो कर लेंगे, ऊपर से जो है यह वाला जो होगा आपका इस तरीके से क्रॉप का साइन होगा, ध्यान रखना है एक दो और तीसरे बार चौथा है, यह चौथा वाला सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फ्री साइज होगा ये वाला पे, आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ से इसको फिक्स चुन लेना है, फिक्स रेशियो, और उसके बाद जो है 350 350 टाइप कर देना है, यहाँ भी 350 और यहाँ भी 350 सेलेक्ट कर लेना है, या कट टू कट नहीं रखना है, मान लो तो 400 भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1000 तक आपको लिमिट दिया गया है कि 1000 तक आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं चलिए मैं 350 नहीं 400 थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और 400 बाई 400 रख लिया। उसके बाद यह इस तरीके से आ जाता है। अब आपको क्या करना है, इसको फिट करना है जितना आपको फोटो की जरूरत होता है और जैसा पासपोर्ट साइज फोटो होता है। ओके, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ और यह हमारा हो गया बिल्कुल फिट। तो इस तरीके से हमने कर लिया कि ये फोटो जो है हम इतना पासपोर्ट साइज में दे सकते, हो गया। अब इसको डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये क्रॉप होकर के इस तरीके से आ जाएगा। ऐसा हो तो इंटर मार के कंट्रोल जेड कर लेना, या यहाँ पे आ जाएगा। अब देख सकते हो कि ये फोटो जो है बिल्कुल जैसा पासपोर्ट साइज का होना चाहिए वैसा क्रॉप हो गया है। अब आपको सिंपल से क्या करना है, फाइल में जाकर के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पे जेपेग में आपको बनाना है, जेपीजी देख सकते लिखा हुआ है जेपेग, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी आपको फोटो का नाम रखना है वो आप रख सकते हो। चलिए मैं इसको पहले से कुछ नाम था फोटो का, वही था फोटो मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे अभी देखे होंगे 271 है, तो यहाँ पे अभी आपको ध्यान रखना है कि मान लो 400 रखे हम तो 400 रख दे, तो 400 बाई देखिए 400 हो गया है और यह आ गया है। अब साइज देख सकते हो कि मात्र 11 KB का यह बना है, लेकिन यहाँ पे जो साइज दिया गया है वो मिनिमम जो है 20 KB दिया गया है। देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि 300 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। अब 20 KB में ही हमारा ये फोटो बन रहा है, बहुत छोटा साइज है, तो इसलिए जो है अब हम क्या करेंगे, ये 400 तो हमने काटा था, लेकिन चूंकि हमें 1000 तक कर सकते हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ 600 मान लो करके देखता हूँ। अब 600 हमने कर दिया, देख सकते हो 20.1 KB हो गया, थोड़ा सा सेफ साइड के लिए मैं 650 इसको कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये 22 KB का फोटो बन रहा है। अब मैं इसको सेव कर लूंगा, जब मैं सेव करूंगा तो यह हमारा फोटो सेव हो गया, देख सकते हैं 22.3 KB में बन गया है। यह फोटो जो है आपको, यह फोटो जो है मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, और यह फोटो जो है बिल्कुल आपको अपलोड हो जाएगा और कोई भी एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको फोटो बनाना है। इसी तरीके से अब चलिए सिग्नेचर बनाते हैं। सिग्नेचर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर
फिर से जो है ये इसी पे एक यहाँ पे फाइल में जा रहा हूँ, ओपन देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आएगा, फाइल में जा करके ओपन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो हमारा ये खुल जाएगा, जहाँ पे भी हमने सिग्नेचर डर रखा है वहाँ पे हमें जाना है, और उसके बाद जो है फोटो मान लीजिए हमारा सिग्नेचर है तो इसको ओपन कर लेना है। आप स्कैन करके अपने मान लो कि कंप्यूटर से या मोबाइल से फोटो खींच करके जो है इस तरीके से दे सकते हो, बट वही है कि अच्छे से फोटो खींचे होना चाहिए और बिल्कुल सही दिखना चाहिए। तो मान लीजिए कि इस तरीके से सिग्नेचर आ गया है, अब इसको हमें सेम प्रोसेस करना है, तीसरा वाला बटन चुनना है, साइज जो सेम ही है तो वही मैं 400x400 रहने देता हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल फिट हो गया, कोई भी हमारा सिग्नेचर इधर उधर नहीं कट रहा है, बिल्कुल सही है, तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सिग्नेचर कट गया है। फिर वही करना है, यहाँ फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट एज, और जेपेग में क्लिक करना है, ये दूसरा वाला ऑप्शन पे। उसके बाद जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे मैं पहले नाम लिख देता हूँ, SING लिख देता हूँ, चलिए सिग्नेचर हो गया हमारा। और साइज जो है हमें यहाँ पे मैं चार अभी 400 करके देखता हूँ, तो देख सकते हैं कि मैंने 400 जब रखा तो इसका जो साइज है मात्र 10 KB में आया, सो मैं इसको बढ़ा करके 800 कर दे रहा हूँ ताकि ये 20 KB से ऊपर हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि यह जब मैंने 800 किया 30 KB हो गया, थोड़ा सा कम ही रख लेते हो, वैसे इतना भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और कम कर देता हूँ। देख सकते हैं कि अब जो है 24 KB में आ गया है, मेरे लिए यह परफेक्ट है, मैं इसको सिंपल सा सेव पे क्लिक कर दे रहा हूँ, जिसके बाद यह डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारा फोटो और सिग्नेचर देख सकते हैं, फोटो और सिग्नेचर दोनों रेडी हो गया है। यह फोटो इस तरीके से बना करके आप अपलोड करेंगे और यूपीएससी के एग्जाम के लिए जब फॉर्म भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, फिर भी कुछ इशू होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको हेल्प कर जरूर करूंगा।